मैडम रहने दो ना, मेरा सर और मुंह दोनों फूट जाएगा ना। मैडम रहने दो ना, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज। आय हाय के कर दिया यो। मैडम ठीक आ गई तो गिर गया, कोई बात नहीं मैं दोबारा उठा के रख लेता हूँ। पल का तो ठीक है पर ये छींक मार के जो मनहूसियत ले आया है तू उसका क्या करूंगी। मतलब? मतलब तेरी माँ का सर। अच्छा मैडम एक बात बताओ, लोग तो गन से निशाना लगाते, आप गिलास से निशाना क्यों लगा रही हो? अगर बंदूक से लगाती ना निशाना गलत होते ही तो सीधा नर्क में पहुंच जाता। हाँ मैडम ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे मार दिया, अरे मार दिया। मैडम मेरी FIR लिखो। अरे पर तू है कौन और तने इस हवलदार से न्यू क्यों कर धक्का दे दिया? अरे मैडम मैंने कहा धक्का दिया? मैडम देख लो कितना झूठ बोल रहा है, अभी दिया है ना धक्का। अरे जमीन पे पड़े ढक्कन ध्यान से तो सुन ले मैं बोल क्या रहा हूँ। मैंने कहा धक्का दिया, धक्का तो गलती से लगा ना मैडम जी। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात ना, और तू जोकर के क्या है? अरे मैडम जी जोकर नहीं, राज दुलारा नाम है मैडम मेरा। हाँ हाँ जो भी है राज का दुलारा। अरे मैडम राज का दुलारा नहीं, राज दुलारा है। तेरा फूफा लग रहा है यो, जो इसका नाम मैं ढंग से लूंगी। और तू क्या है ये, यहाँ कोई थाने में मेकअप कंपटीशन चल रहा है के, जो तू इतना मेकअप लीप के आ रहा है? अरे मैडम मैं FIR लिखवाने आया हूँ। हाँ हाँ पता है, होगी तेरी रिपोर्ट, तेरे मालिक ने तेरे को पैसे नहीं दिए होंगे। अरे मैडम कौन सा मालिक, कौन से पैसे? तू सर्कस का जोकर ही है ना। अरे मैडम मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं हूँ भूत। हाँ ये भूत है तो मैं हूँ गेट खली। हाँ और मैं दीपिका पादुकोण, और हमारे फैंस खड़े होंगे बाहर हमारी फोटो लेने ताई। मैडम मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे क्या है यहाँ सुबह सुबह हमारा दिमाग खाने आ गया। अरे मैडम इसके पीछे अपना दिमाग खराब मत करो, इसने मुझे गिराया था ना उसका बदला लेना मुझे। हाँ भाई साहब आप भूत हो ना? नहीं तेरी मम्मी का पति हूँ, अबे बोला ना भूत हूँ मैं। तूने ना मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, तुझे अब बैठ से नहीं अपने डोलों से मारूंगा, वहां जाके खड़ा हो जा। तूने मुझे धक्का देके गिराया था ना, अब देख मैं कैसे गिराऊंगा तुझे। भैया लग गए। तू बेवकूफ तो नहीं है जो ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करने लग रहा है? पता नहीं मैडम ऐसे गधों की पुलिस थाने में भर्ती कौन कर लेता है। अब मैडम मेरा सर फोड़ दिया। मैडम आप मेरी FIR लिखो। मैडम मुझे एक चांस और दे दो, मुझे इससे बदला लेना है। ठीक है कर ले, क्या करेगा? इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको बताना पड़ेगा। अब तो तू गया। मैडम ये तो मुझे सच का भूत लग रहा है, इनने तो मुझे डरा दिया। मैडम इसकी आंखें देखो। एक तो तू डरता बहुत है। मैडम डर के मारे तो मेरा सुसू भी निकल गया। अरे छी 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 छी, तू रुक मैं अभी पता लगाती हूँ ये भूत है इंसान। हाँ रे सुन तू। हाँ जी मैडम सुनाओ। अच्छा तो तू भूत है ना, तू अभी गायब होके दिखा, अगर तू गायब हो गया ना तो मैं इब्बे तेरी FIR लिख दूंगी। जो मैडम अभी हो जाता हूँ गायब। मैडम अब तो लिख लो मेरी FIR। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, अब FIR तो लिख दो। अरे देखो यहाँ भूतों की FIR नहीं लिखी जाती, तू जा यहाँ से। अरे मैडम ये तो नाइंसाफी हुई हमारे साथ, अगर हम अब भूत बन गए तो क्या हुआ, अभी तो हम इंसान थे। मैडम आज तो हम बुरा फंस गए, मुझे निकलनी है पुलिस की नौकरी, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ और मैं भी छोड़ रही हूँ, देखो राज के दुलारे। अरे मैडम राजे के दुलारे नहीं, राज दुलारे। मैं ना तेरे गोली मार दूंगी, चुप हो जा। हर तू राज दुलारे जी, हम दोनों ना यहाँ से अपनी ड्यूटी छोड़ रहे हैं इस पुलिस स्टेशन से, तो तुम किसी और पुलिस स्टेशन में जाके अपनी FIR लिखवा दो। नहीं मैडम FIR तो आप ही लिखोगे मेरी, और अगर आप यहाँ से गए तो मैं
मैं तुम दोनों को मार दूंगा। देखी क्या मैडम, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मेरी शादी को तो सिर्फ 15 साल ही हुए हैं, अभी मुझे नहीं मरना। रुक जा, करती हूँ कुछ। हाँ तो तुम बताओ किसकी FIR लिखवानी है? एक ऐसी लड़की की जो सबसे बड़ी चुड़ैल है। क्या मैडम, मुझे लगता है हमारा जिंदगी का आखिरी केस है ये। तू नहीं होगा चुप। हाँ जी बताओ कौन है वो चुड़ैल और क्या किया है उसने? मैडम वो है मेरी बहन और उसने ही किया है मेरा खून। तुम्हारी बहन ने किया है तुम्हारा खून? हाँ उसी ने ही मारा है मुझे। तो बता कहाँ मिलेगी वो, हम उसे अभी पकड़ के लेके आते हैं। अरे ये कहाँ चला गया? मैडम मेरी FIR लिखो। अरे तुम पहले आराम से तो बैठ जाओ। मैडम लड़की कितनी सुंदर है ना। तेरी जुबान ज्यादा चल रही है। सॉरी मैडम। इस सॉरी को अपने पास धर ले। हाँ जी मैडम आप बताओ किसके खिलाफ FIR लिखवानी है? मेरे भाई के खिलाफ। क्या करा है उसने? उसने इतना संगीन जुर्म किया है कि मुझे बताते हुए भी रोना आ रहा है। देखो तुम हिम्मत रखो और बताओ क्या किया है उसने? मैडम उसने मेरी चॉकलेट खा ली। क्या इतना बड़ा जुर्म? हो क्या चॉकलेट खा ली? मैडम यो भी कोई जुर्म है। और क्या मैडम, चोरी का जुर्म है। मैडम तू एक काम कर, हम तो 10 रुपए ले ले और जाके चॉकलेट खा ले। ओ हवलदार दे मैडम को 10 रुपए। लो मैडम इसमें मेरा नंबर भी लिखा है। तू नहीं सुधरेगा, नोट देने की कही है एक नंबर। अरे मैडम मुझे गलत मत समझो, मैंने नंबर इसलिए दिया है ना, उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर लेंगी ना। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास भी है पैसे। तो तू हमारा यहाँ दिमाग खराब क्यों कर रही है? सुबह से अजीब अजीब केस आए जा रहे हैं, कभी भूत कभी ये चॉकलेट। ओ मैडम ऐसा है, मुझे इंसाफ चाहिए तो मेरी FIR लिखो। बेटा खा लेना तू दूसरी चॉकलेट। नहीं मुझे वही चॉकलेट खानी है, वो मेरे बॉयफ्रेंड ने दी थी, वो भी कितने प्यार से, और मेरा भाई खा गया। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मेरे साथ धोखा हुआ है। एक तो तेरे ड्रामे खत्म नहीं हो रहे। हट्टू मैडम के नाम है तेरे भाई का? उसका नाम चीकू है। और कहाँ मिलेगा वो? ये तो नहीं पता मुझे। तुम्हारा भाई है तुम्हें ये नहीं पता क्या कहाँ मिलेगा वो? अरे मैडम मैंने उसे जान से मार दिया है इसलिए मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगा। क्या तुमने अपने भाई को जान से मार दिया है? हाँ। तो FIR तो तुम्हारे खिलाफ लिखी जाएगी मैडम। मेरे खिलाफ क्यों, मेरे भाई के खिलाफ लिखो ना। अरे तूने खून किया है तो तेरे खिलाफ ही तो लिखी जाएगी। पर मेरा भी तो खून हो गया है जो मेरे भाई ने किया है। अच्छा तो तू भी भूतनी है क्या? हाँ। अच्छा तो गायब होके दिखा अगर तू भूतनी है तो। मम्मी खरबूज, मैं तो चला यहाँ से। अरे बैठ, ऐसे कैसे चला जाएगा तू? मैडम लिखो FIR अब। हे भगवान बचा लेना आज। मैडम कहीं वो भूत आया था, वही तो इसका भाई नहीं है? अरे वो कैसे हो सकता है इसका भाई, इसके भाई का नाम तो चीकू है और उसका था राज का दुलारा। अरे वो राज का दुलारा नहीं, राज दुलारा। हाँ हाँ वही। क्या पता मैडम इसके भाई का घर का नाम चीकू हो। रुक अभी पता लगाती हूँ। सुनो मैडम तुम्हारे भाई का असली नाम चीकू ही है ना? नहीं वो तो घर का नाम है उसका, असली नाम तो राज दुलारा है। अबे हवलदार तूने तो सही कहा था, पहली बार तूने अपना दिमाग चलाया है। थैंक यू मैडम। मैडम अब लाओ ना मेरे भाई को पकड़ कर। हाँ हाँ पकड़ के लाते हैं तुम्हारे भाई को। तुम एक काम करो छुप जाओ कहीं, फिर पकड़ लाएंगे। ठीक है मैडम, लेकिन उसे सजा जरूर देना। अरे हवलदार। जी मैडम। मुझे इसका भाई ना लड़कीबाज लग रहा था तो तू रुक अभी। हवलदार मुझे कोई ऐसा लड़का बताओ जो अभी अभी मरा हो,
मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे मैडम मैं हूँ ना, मुझसे कर लो आप शादी, आ जाओ कर लो शादी। कौन सी शादी, मैं तो मजाक कर रही थी। बाबू तोड़ दिया ना आपने मेरा दिल। दिल? तेरा तो सर भी टूटेगा। क्या कह रहा है, यहीं पे बैठ। मैडम डालो इसे जेल में, यही है मेरा भाई। ऐसे कैसे डालो मैडम जेल में, जेल में तो ये जाएगी ना, गलती तो इसकी मेरी थोड़ी ना। तू जाएगी जेल में, तू जाएगी। एक काम कर लो, तुम दोनों ही आपस में डिसाइड कर लो, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। चल हवलदार। चलो चलो मैडम जल्दी चलो। अरे मैं मैडम ऐसे कैसे जा रहे हो, आप यहीं बैठो, आप कराओगे हम दोनों का फैसला? नहीं, मुझे जान से मार देगी दोबारा से, मेरी आत्मा को भी मार देगी। हाँ तो लड़की पहले तू बता तेरी क्या शिकायत है। मैडम ने मेरी चॉकलेट खाई, मुझे थप्पड़ मारा, मुझसे छीना छपटी करी और फिर मुझे जान से भी मार दिया, इतने सारे आरोप है इस पर। ओ मैडम ये झूठ बोल रही है, मैंने ना सिर्फ चॉकलेट खाई थी, इसने पहले थप्पड़ मारा था और इसने छीना झपटी शुरू करी थी और थप्पड़ भी इसने ही मारा था, बता तो रहा हूँ मैं आपको सब कुछ सच सच, इसकी बात मत सुनो। मेरा तो सर फटा जा रहा है तुम दोनों की बकबक सुन के। या तो तुम दोनों जाओ यहाँ से या फिर अपनी ये बकबक बंद करो। ठीक है। हाँ रे लड़के तो अब तू बता। मैडम देखो इसके बॉयफ्रेंड ने इसको चॉकलेट दी थी, वो चॉकलेट इसने लाके फ्रिज में रख दी और मैंने वो चॉकलेट खा ली और जब इसने मुझे चॉकलेट खाते हुए देखा तो इसने मुझे पहले थप्पड़ मारा, फिर मैंने भी इसके जड़ के थप्पड़ मारा और उसके बाद मैंने इसको जान से मार दिया। तो जान से तूने मारा है इसको पहले? हाँ, और फिर ये मर गई तो चुड़ैल बन के इसने भी मुझे मार दिया। देख लड़ाई की शुरुआत की थी तूने, तो मुजरिम हुआ तू, तो जेल भी तू ही जाएगा। हवलदार डाल इसे जेल में। मैडम आप मुझे जेल में डालोगी? अरे मैं तो आपका होने वाला पति हुआ ना बाबू। ओ खसम औकात में रह ले थोड़ा सा। हवलदार डाल इसे जेल में, इसका तो भूत हम बनाएंगे, ओ इंसान बनाएंगे इसका। ओके मैडम। ऐसा बंदा है बाबू, बाहर कैसे आ रहा है? चल अरे मैडम ये कैसा बंदा है, बार बार अंदर करो बार बार अंदर बाहर आ जा रहा है, क्या ये क्यों और तू बाहर कैसे आ जाता है? अरे मैडम मैं आत्मा हूँ, मैं जेल में कैसे बंद हो सकता हूँ? मैडम आप क्या करें, इधर आ। सुन किसी ना किसी को तो जेल में डालना ही पड़ेगा, एक काम करते हैं इस लड़की को डाल देते हैं जेल में। ये आइडिया अच्छा है। राज के दुलारे तो यहाँ आके बैठ, आइए इधर। थैंक यू मैडम। देखो अभी मैंने और हवलदार ने मिलके बारीकी से सोचा है कि गलती इस लड़की की है तो जेल भी यही जाएगी। देखा मैडम मैंने कहा था ना मैं निर्दोष हूँ, यही है कसूरवार, यही है कातिल, इसको जेल में डालो जल्दी जेल में। रुक तो अभी मुझे जेल में डलवाएगा। मैडम मेरे फिर बड़े पर मुक्का मार दिया, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे मारा, रुक। अरे मैडम ये दोनों तो आपस में लड़ने लग गए, अब क्या करें? अरे सही है ना, लड़ने दे, लड़ लड़ के मार देंगे एक दूसरे को, हमें तो छुटकारा मिलेगा। हाँ सही है, लड़ो लड़ो मारो एक दूसरे को। एक काम करो मेरी पिस्टल ले लो और इससे मारो एक दूसरे को, लो। अरे मैडम ये दोनों तो गन से बुरी तरह लड़ रहे हैं। अरे छोड़ ना, गनी तो है, हम तो बच गए इस मुसीबत से। अपनी बहन का हिसाब तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन हवलदार जी
आपने बहुत हेल्प करी है मेरी, तो आप अपना इनाम तो ले ही लो। भैया इनाम दोगे? दो जल्दी दो। ये रहा तुम्हारा इनाम। मैडम मेरी रिपोर्ट लिखो, मेरा खून हुआ है। अरे भगवान, फिर से नहीं।